आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन। दवा मुक्त समाज का 23वां वीडियो लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। और आज जो विषय चुना है मैंने वो बहुत कॉमन है और खास करके 40-45 साल की उम्र के बाद के लोगों में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम। बार बार आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देते हैं, उससे यूरिक एसिड कम हो जाता है कुछ दिनों के लिए। थोड़े दिनों बाद फिर से पता लगता है कि फिर से आपका यूरिक एसिड फिर से बढ़ने लग गया है। तो यूरिक एसिड ना बढ़े इसके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी खान पान की जो आते हैं उनको बदलें। बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट यूरिक एसिड की पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। तो दालें हो गया, पनीर हो गया, पालक हो गया, बहुत ज्यादा घी, तेल और ऐसा चिकनाई वाली जो चीजें हैं इनको आपको नहीं लेना चाहिए अगर आप यूरिक एसिड की समस्या से परेशान है। तो उसके बाद बात आती है कि हम सुजोक थेरेपी या कलर थेरेपी में क्या ट्रीटमेंट करें कि हम यूरिक एसिड को कम कर पाए। तो किडनियां और लीवर, इन दो ऑर्गन्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है यूरिक एसिड में। तो सबसे पहले हम लीवर को देखेंगे। लीवर कहाँ पे है? हमारे हाथ में ये सारा एरिया जो है ये लीवर का है। तो आपने बार बार इसको इस तरीके से मसाज देना है ताकि आपका लीवर एक्टिवेट हो सके। और दूसरा जो ऑर्गन है वो है आपकी किडनियां। तो ये आप अगर ये दोनों फिंगर्स के बीच का ये जो चैनल है इसमें जाते हैं तो आगे ये बोन आ जाती है। ये बोन के नीचे का जो डिप्रेशन है वो आपकी किडनी है। एक राजमा आपने यहाँ पे लगाना है और दूसरा राजमा आपने ये, फिर से बोन आ गई इधर भी, इस चैनल से सीधा चलते हैं तो बोन के नीचे का ये जो डिप्रेशन है इसमें भी आपने एक टेप पे दो राजमा लगा करके और इस तरीके से आपने उनको बार 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 प्रेशर देना है ताकि जितना भी यूरिक एसिड है किडनियां उसको रिलीज कर सके, बॉडी से बाहर फ्लश आउट करे। तो किडनियों पे प्रेशर देना है, दूसरा आपने काम करना है लीवर पे प्रेशर देना है। इस तरीके का मसाज भी दे सकते हैं। और ये इन सब जगहों पे हमारा लीवर है तो यहाँ चाहे तो आप 2-4-5 मेथी के दाने लगा करके भी प्रेशर दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कलर थेरेपी का क्या ट्रीटमेंट किया जाए कि हमारा यूरिक एसिड जो है वो कम हो जाए। उसके लिए दोनों ऑर्गन्स पे हमें काम करना पड़ेगा, किडनी पे भी करना पड़ेगा, लीवर पे भी करना पड़ेगा। तो किडनी में देखिए ये जो हिस्सा है इसके 1/3 पे आपने एक ग्रीन डॉट लगाना है, दूसरा ग्रीन डॉट बिल्कुल जॉइंट के ऊपर लगाना है। उसके बाद फिर आपने इसी फिंगर पे रहते हुए सेंटर में जो लीवर का मरीडियन है उसके ऊपर ग्रीन कलर लगाना है और एक ग्रीन डॉट आपने यहाँ पे लगाना है और पांचवा ग्रीन डॉट आपने लगाना है ब्रेन की ह्यूमिडिटी के पॉइंट पे। यानी ये अगर पांचों डॉट आप दोनों हाथों में लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि 10-12 दिनों के अंदर ही अंदर आपका जो यूरिक एसिड है वो काफी ज्यादा नीचे आ जाएगा, बशर्त आप खान पीन अपना बदल सके। जो आपका खाना पीना है उसमें 60-70% तक आपको हरा रखना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, सूप हो गया, सैलेड हो गए, ये चीजें आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी आप अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।